दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल चर्चा करना चाहना वा आनंद मैरिज एक्ट की। पिछले दिन भगवंत सिंह मान ने एक बयान दिता कि एक बहुत वड्डा फैसला असीं लैण जा रहे हैं पंजाब दे विच आनंद मैरिज एक्ट लागू करांगे। इहदी असलीयत यह है कि आनंद मैरिज एक्ट स्वाय रजिस्ट्रेशन परपज तो इहदे विच होर कुछ नहीं गा। नॉर्मल जिहड़ा साडे रीति रिवाज सिखां दे पंजाब दे विच जिहड़ा आपां आनंद मैरिज आनंद कारज करदे आ इह सारा जिहड़ा हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का बनिया साढ़े देश के विच इह उहदे नाल ही गवर्न हुंदा वा। सिर्फ एक 2012 दे विच पार्लीमेंट विच एक छोटी जी अमेंडमेंट की गई सैक्शन 6 की, उहदे विच उन्होंने कहा कि आनंद कारज की भी रजिस्ट्रेशन असीं अलाउ करदे आ पर करांगे उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। सो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की आग्या दिती गई और उसनु नोटिफाई कर दिता सारे देश विच। मेरा ख्याल है जिहड़े लोग रजिस्टर करवाना चाहुंदे ने आनंद कारज अपने वह अज भी पंजाब दे विच वह रजिस्ट्रेशन जिहड़ी करा सकदे ने। जे असल विच आनंद मैरिज एक्ट तुसीं बनाउणा वा तो उहदे लई फिर पार्लीमेंट विच दुबारा एक प्रोपर बिल पेश किया जाना पवेगा, उहदी प्रोपर सोध होगी कानून दे विच। जिद्दां मुसलमानां दे कोल जिहड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ दे तहत उन्होंने कोल एक वखरा कानून है बकायदा इस देश विच, उन्होंने उत्ते हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होंदा मुसलमानों के उत्ते क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के अनुसार जो उन्होंने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स आ वो 3 बार तलाक कहिंदे ने ते तलाक दिता जांदा जां उहदी मेंटेनेंस आ जां उहदे जिहड़े होर हैगे वह अदालतां एक स्पैशल लॉ के तहत मुसलमानों दीआं जिहड़ियां शादी के इशूज हैगे वह सारे उस दे तहत गवर्न हुंदे ने। लेकिन सिखां दा अज तक कोई अलहदा कानून नहीं गा। एक बार 2016 दे विच डॉक्टर गांधी जिहड़े डॉक्टर धर्मवीर गांधी जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट सी पटियाले तो बहुत विद्वान होनहार और एक हिंदू होने के बावजूद सिखां दीआं भावनावां नूं मुकम्मल तौर पर समझते हुए उन्होंने एक लोग सभा दे विच बिल इंट्रोड्यूस करन दी कोशिश की। इहनूं प्राइवेट मैंबरस बिल भी कह दिंदे ने। अगर ये बिल पास होवे तां फिर जिहड़ा इसनूं उन्होंने नाम दित्ता सी द सिख मैरिज बिल 2016, फिर ये जिहड़े जिहड़े साढ़े शादी नूं लैके रीति रिवाजां नूं लैके जिहड़े मुकम्मल रेजोल्यूशन है उन्हां दा हल आ वह फिर अलहदा कानून के तहत हो सकता वा। उहदे च जिद्दां मिसाल दे तौर पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूनियल राइट्स एंड जुडिशियल सैपरेशन या नलिटी ऑफ मैरिज, जदों कोई डिवोर्स होना जिहड़ा विआह है वह खत्म किया जाना तो उहदा एक कानून, मेनटेनेंस एंड कस्टडी ज्यूरिसडिक्शन प्रोसीजर, ये काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत करके एक प्रॉपर बड़ा डिटेल्ड बिल तैयार किया क्योंकि पार्लीमेंट विच इस तरह का बिल नूं कोई जब तक कोई मेजोरिटी नहीं हुंदी उस उदों तक ये बिल पास नहीं हो सकता, इस करके उन्होंने बिल पास नहीं होया। लेकिन भगवंत मान वालों सिखां नूं ये कहना कि एक बहुत वड्डा तोहफा देण जा रहा कि मैं तुहानूं आनंद मैरिज एक्ट पंजाब दे विच लागू करन जा रहे वह महज रजिस्ट्रेशन है और इसलिए किया भगवंत मान ने क्योंकि जिहड़ा इहदा सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, तुहानूं सब नूं अच्छी तरह पता कि गुजरात ते हिमाचल दीआं इलैक्शनां नूं मद्देनज़र रखदे हिंदुआं दी वोटां लैण दे खातर उसने इत्थों तक गया वा कि इस देश विच यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहीदा। मतलब जे अगर केजरीवाल दी दा वस चले जिहड़ा कि बीजेपी दे एजेंडे नूं फॉलो कर रहा उस हिसाब नाल फिर सारे धर्मां दा जिहड़े रीति रिवाज भावें किसी दे कोई अलग होण फिर सारे धर्मां नूं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होवेगा। उहदे फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी उड जाएगा, उहदे विच बाकी धर्मां दीआं वी सारियां जिहड़ियां जो उहनां दे रीति रिवाज जो उहनां दीआं अलग पहचान है वह सारा कुछ खत्म करके इको ही एक्ट के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सारा कुछ किया जाएगा जिहड़ा कि घट गिणतियां लई खास तौर पर सिखां लई मुसलमानां लई अते होर माइनोरिटीज़ जिहड़ियां इस देश विच ने ईसाई वर्ग सारे लिए बड़ा घातक एक फैसला होगा। अरविंद केजरीवाल ये कह रहा वा तो भगवंत मान मैं लगता थोड़ी शर्मिंदगी होनी कि मैं पंजाब सिख की कहे तो उसने कहा जी मैं आनंद मैरिज जिहड़ा एक्ट है वह लागू कर जा रहा सिर्फ रजिस्ट्रेशन परपज है, उस ना कोई होर साडी अदालत आ ना कोई साडा कानून आ ना कोई रेजोल्यूशन आ ना कोई जिहड़े मैं इशूज पढ़े ने कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स कोई मेनटेनेबिलिटी कुछ भी नहीं आ सकता उहदे विच। आ असलीयत भगवंत सिंह मान की है, या तो उसने आनंद मैरिज एक्ट नूं अच्छी तरह समझिया ही नहीं या उस नूं अहसास नहीं गा कि इहदे विच स्वाय रजिस्ट्रेशन परपज सैक्शन 6 तों अलावा कुछ नहीं गा तो उसने उदा ही कह दिता कि चलो इन्हें कहने नाल मेरे शायद पंजाब के लोग जिहड़े सिख ने खुश ने, या फिर उसके मन में कोई बेईमानी है कि आपां नूं एवें मूर्ख समझदा आपां सब नूं एक गुमराह कुन प्रोपीगेंडे के तहत लिया के उन्हें वह बयान दे दिता।
जरूर जरूरत है इसकी, लेकिन ओदी जरूरत तां पूरी होगी जे साडा पूरा सिख मैरिज एक्ट इस देश की पार्लियामेंट विच प्रवान होगा तो अलहदा कानून बनेगा। और इत्थे मैं थोड़ा जा बादल दे टब्बर नूं गुनाहगार समझदा वां, क्योंकि तुहानूं याद होगा कि 1980 दे दहाके दे विच एक बहुत वड्डी मूवमेंट चलाई सी उस वक्त दे श्रोमणी अकाली दल ने कि आर्टिकल 25 जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दा उहदे विच क्लॉज शायद बी आ उहदी अमेंडमेंट होनी चाहीदी आ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਸਾਡਾ रीति रिवाज उठना बैठना खाना पहनना वह सारा जरा एक सैपरेट है, एक जिदा सैपरेट धर्म हों, लेकिन वो प्रवानगी इसलिए नहीं मिली क्योंकि बादल साहब न बीजेपी के नाल समझौता हो गया और समझौते के तहत सत्ता दे विच भाईवाल बन गए मिनिस्टर बन गए। जिन्या मंगा सी कलिया आर्टिकल 25 की अमेंडमेंट नहीं बल्कि जिहड़ियां चंडीगढ़ नूं पंजाब मिलना चाहिदा सीगा, पंजाबी बोलदे इलाके मिलने चाहिए सी, पंजाब दे पाणियां दा वड्डा झगड़ा सारा कुछ इन्होंने जिहड़ा सीगा उहनूं तलांजली दे दित्ती, जिहदे करके अज असीं लोकी कहिंदे हुंदे वी आर बैक टू स्क्वेयर वन, उत्थे खड़े जिथे पहला खड़े सीगे। पर आ जिहड़ा आनंद मैरिज एक्ट आ भगवंत मान ने गल कही है इहनूं क्लैरिफाई करना चाहिए कि मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन की गल कर रहा वां या मैं पूरा अगर चाहे भगवंत सिंह मान पंजाब की विधानसभा दे विच एक बकायदा रेजोल्यूशन पास कर सकता वा कि एक सानू फुल फ्लेजड सिख मैरिज एक्ट बनाना चाहिए वा जिहदे नाल एक साडी अलहदा पहचान बने साडा अलहदा कानून बने साडे लई अलहदा अदालतां बनन तां कि सिखां दी एक वक्री पहचान बन सके। पर मैनूं नहीं लगता कि केजरीवाल दे हुंदिया जिहड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड की गल कर रहा उन्हां हालातां विच भगवंत मान विच इह जान है, अगर वह रेजोल्यूशन विधानसभा दे विच पास होवे तां उहदा वजन बनेगा देश की पार्लीमेंट विच साडे जज्बात जिहड़े जज्बात ने उत्थे पहुंचणगे कि सिख जिहड़े ने उह अलहदा एक अपने आनंद कारज दा एक्ट चाहुंदे ने। परंतु देखना यह होगा कि भगवंत मान आने वाले दिनों कर सकता कि नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता इहदा मतलब यह बयान सारे भी देन दा सिर्फ नंबर बनाने की खातर इदा के बयान छड़ दिंदे ने लीडर। इस करके मैं अज तुहाडे नाल आनंद कारज सिख मैरिज एक्ट के मुतलक जानकारी तुहाडे नाल सांझी की है। अगर तुहानूं लगता कि मेरी गल्लां ठीक ने इहनूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, और मैं हमेशा कहना अज भी कह देना बोकर वाले कृपा करके इस साडी वीडियो तो दूर रहन। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।